आप सबको मेरा नमस्कार। अभी का अपना जो विषय है कि भारत की आध्यात्मिक चेतना और देश बाह्य आस्थाओं का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन, यह विषय हम कुछ बिंदुओं में देखने का प्रयास करेंगे। किसी भी आस्था का यदि हमें विचार करना है, अध्ययन करना है, तो उसके मुख्य रूप से तीन बिंदु हमने समझने हैं। उस आस्था का, उस समय का वर्तमान स्वरूप, उसके आगे और इतिहास में जाने की क्षमता, और उसका इतिहास भी आज ये ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए तीन बिंदु आवश्यक है। एक है कि उस आस्था में जीवन दर्शन क्या है, यानी ईश्वर, सृष्टि, मानव, इन तीनों को वो आस्था कैसी देखती है, समझती है, मानती है, उस बारे में उस कम्युनिटी में क्या क्या अनुभूतियां रही है, परंपरा रही है। शब्द एक हो सकता है लेकिन क्या सच में वैसी अनुभूतियां हैं, परंपरा है, इसीलिए एक है जीवन दर्शन। उस जीवन दर्शन पर आधारित, उससे प्रेरणा लेकर जो आते हैं वो है जीवन तत्व या जीवन मूल्य। फिर से, जीवन तत्व और जीवन मूल्य बाह्य रूप से शब्द एक हो सकता है, जैसे उदाहरणार्थ हम सब भाई है, यानी भाईचारे की बात, लेकिन जीवन दर्शन क्या है उससे ही पता चलेगा कि इस भाईचारे का अर्थ उस आस्था में, उस रिलीजन में कैसा होगा, उसका प्रत्यक्ष व्यवहार कैसा होगा भाईचारा को लेकर। और तीसरा है उससे आई हुई जीवन व्यवस्थाएं, उसमें आते हैं अपने कस्टम्स, रिचुअल्स, सारे विधि, क्योंकि ये जो रिचुअल्स और विधि, परंपराएं, व्यवस्थाएं, ये जो होती है, ये उस जीवन दर्शन और जीवन तत्व को साकार करने वाली उस काल के लिए सुयोग्य ऐसी व्यवस्थाएं होती है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे चावल होता है, धान होता है, तो धान में बाहर उसका हस्क, खाल होती है, और अंदर चावल होता है। यदि हमें उस चावल का संक्रमण करते रहना है आगे आगे की पीढ़ी के लिए, तो उस खाल का होना आवश्यक है। आप खाल को फेंक देंगे, हस्क को फेंक देंगे, तो आप उसको बोएंगे तो पेड़ नहीं आएगा। तो वह उस चावल को आगे आगे की पीढ़ी में ले जाने के लिए धान का अपना एक जगह है, लेकिन सिर्फ धान है, अंदर चावल ही नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, यानी उससे फिर कुछ नहीं होगा। तो व्यवस्थाएं, यह जो एक अमूर्त चेतना होती है, अमूर्त दर्शन होता है, जीवन मूल्य होते हैं, उनको साकार करने के लिए ये जीवन व्यवस्थाएं, परंपराएं होती हैं। अभी जैसे काल बदलता है, हम अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, जीवन की चुनौतियां बदलती रहती है, जीवन में जटिलता आ जाती है, ऐसे समय इन जीवन व्यवस्थाओं को हमें काल के अनुसार यदि आवश्यक है तो बदलना भी है। यदि वह व्यवस्थाएं उस चेतना को, उन जीवन मूल्यों को प्रकटित करने में अक्षम हो जाती है तो वो बदलना है। और ऐसे जीवन व्यवस्था बदलने की क्षमता, दृष्टि व्यवस्था ही हम बोल सकेंगे, ऐसी उस आस्था में है क्या, उस रिलीजन में है क्या, उस आध्यात्मिक परंपरा में है क्या। नाम अलग, बिंदु एक ही, कि जो सत्य को जानना चाहते थे, अनुभूति लेना चाहते थे,
और ऐसे अनुभूति लेना चाहने वाले जो इंद्रियों से परे जाकर दिखने के लिए हम अलग अलग है, लेकिन क्या हम अलग अलग है? क्या हमें जोड़ने वाला कोई तत्व है? क्या हमें जोड़ने का बाहर से प्रयत्न करना पड़ेगा या सच में हम एक है? क्या ये साथ बदलने वाले इसमें शाश्वत कुछ है? वो शाश्वत है तो वो क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग इस भूमि में थे, और इस प्रश्न का जब जवाब आया तो डरने वाले नहीं थे, सत्य को भी धैर्य के साथ जिस देश में सामना किया गया वो ये देश है। और इसीलिए वेद भी कहते हैं कि सिर्फ ना यानी वेद के अध्ययन से आपको आत्मा प्राप्ति नहीं होगी, अनुभूति करनी पड़ेगी, अनुभूति पर जोर देने वाला। और वो क्या अनुभूति है? आत्मानुभूति है, यानी हम सब एक ही है, एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ है। ये जीवन दर्शन है, बाकी फिर उस पर आधारित अपनी क्रिएशन की कहानियां अलग होगी, नाम अलग होंगे उसके, क्या कहेंगे, तत्व ज्ञान अलग होगा, कोई उसको द्वैत बोलेगा, अद्वैत बोलेगा, विशिष्ट द्वैत बोलेगा, लेकिन हम सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्परावलंबी, परस्पर संबंधित है। यहाँ जो अपना ये है उस पे वो चित्र भी है, ऐसे अखंड मंडल जो बढ़ता जाता है, विकसित होने वाला, और उसी पर आधारित अपना ये अपना जनजातियों का पारंपरिक चित्र है, और उसी को इसी की व्याख्या करने वाला एक श्लोक है जो हम सब गाते हैं, बहुत बार गाते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी इस सारे चराचर को व्याप्त करने वाली आत्म चेतना, वो मेरा सच्चा पद है, वो मेरी सही अवस्था है, और यह मुझे जिसने बताया उस गुरु को मेरा नमस्कार है, ऐसा यह श्लोक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, इसलिए मैं इस सबसे अलग व्यक्ति नहीं हूं, मेरा ही और मेरी आत्म चेतना का ही और प्रगटित विस्तृत स्वरूप ये मेरा परिवार है, उसका ही और विस्तृत स्वरूप मेरी कम्युनिटी है, उसका ही और विस्तृत स्वरूप ये समाज है, उसका ही विस्तृत स्वरूप ये राष्ट्र है, ये सृष्टि है, और उसके ही परे जो न बदलने वाला ऐसा जो तत्व है, परमेष्टि है, ईश्वर है, सुप्रीम बीइंग है, आने दोनी है, सिंह गंगा है, बथाऊ है, रंगफरा है, नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह तत्व है, और वही इसी को हम सर्वत्र देखते हैं जैसे। तो फिर ये विविधता क्यों चाहिए? एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ है तो सब एक जैसे क्यों नहीं? क्योंकि जितना विविधता आती है उतनी विकास की संभावना बढ़ती है। उसका एक एकदम छोटा सा उदाहरण जो हम सब जानते हैं, वह ऐसा है कि माँ के गर्भ में, माँ के पेट में जब वो गर्भ पलता है तो पहले तो वो कुछ छोटी सी कोशिकाओं का एक छोटा समूह होता है, और जब वो पलता है, बढ़ता है, तब वो कैसे बढ़ता है? वो मल्टीप्लाई जब होता है एक जैसा नहीं होता है, तो जैसे मल्टीप्लाई होने लगता है वो डाइवर्सिफाई होता है, वो अलग अलग विविध रूप लेता है, समझिए वो एक ही जैसा होगा तो वो क्या होगा, एक मांस का गोला होगा, वो बच्चा नहीं होगा। और जब वो मल्टीप्लाई होता है, टर्निंग पॉइंट करके फ्रिज ऑफ कपड़ा का एक पुस्तक है, या दीपक चोपड़ा का हाउ टू नो गॉड, तो उसमें वो लिखते हैं कि किडनी सेल, ब्रेन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ये सारे अलग अलग जगह है, कैसे उनको पता चलता है कि अभी इतने बोन सेल निर्माण होंगे, इतने किडनी सेल निर्माण होंगे, फिर सारे एक जगह कैसे जाते हैं? दे आर फ्रीली फ्लोटिंग एंड देन स्लोली इट स्टार्ट्स डाइवर्सिफाइंग। अभी कल्पना कीजिए कि ठीक है, हाथ पांव सारे अवयव हो गए, लेकिन उसको सबको जोड़ने वाली आत्म चेतना नहीं है, तो फिर से वो मृत बालक है, फिर से उसमें विकास की कोई संभावना नहीं है। विकास की संभावना तभी है जब एक आत्म चेतना मेरा ही स्वरूप देखने के लिए मैं और अनेक होना चाहता हूं, एको हम बहुश्याम, और इसीलिए वो विविध रूप लेता है। आज विज्ञान यही बात करता है, विज्ञान में जब हम जाते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स में, सब एटॉमिक फिजिक्स जब जानना चाहते हैं, इट इज फैसिनेटिंग कि क्या है इस पूरे विश्व का इकाई, क्या है, कोई एलिमेंट्स, कुछ बरस पहले वैज्ञानिकों ने बताया, फिर बोले नहीं मॉलिक्यूल, फिर बोले नहीं परमाणु, एटम,
एटम ये अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं हो सकता है. फिर बोले कि नहीं, इवन दैट इज दैट कैन बी डिवाइडेड, ई इज इक्वल टू एमजी स्क्वायर. ओके, ये क्या है, एटम क्या है? तो उसमें पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क. व्हाट इज क्वार्क? जैसे और सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम गए, उन्होंने आखिर में बताया कि एक्चुअली इट इज एन इंसिडेंट, ये एक घटना है. घटना यानी एनर्जी ऐसी प्रगटित होती है, लुप्त होती है, प्रगटित होती है, लुप्त होती है. एक ही जगह नहीं, कहीं भी घूमती है. और फिर भी ये माइक माइक दिखता है, मैं दिख रही, राजश्री जी दिख रही, सब ऐसा ही दिख रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पीछे पीछे चेतना एक है. हम सब की आत्म चेतना एक है. हमारा शरीर अलग होगा, मन अलग होगा, बुद्धि अलग होगी, लेकिन हम सब एक, यानी एक से ही ये अनेक रूप में प्रकटित हुए हैं. हमारी आत्म चेतना एक है. आज साइंटिस्ट बोलने लग गए हैं, वी नीड ए लैंग्वेज विच कैन एक्सप्रेस दिस ट्रूथ ऑफ क्वांटम फिजिक्स. साइंस भी वही बात कर रहा है. आज पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम्स आर चेंजिंग, वेदर इट इज इकोलॉजी है या जो भी है, उसमें सब इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, परस्पर अवलंबी है, परस्पर संबंधित है, परस्पर जुड़ा हुआ है. और ऐसा पर्यावरण आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं. सिर्फ पर्यावरण सिखाने से नहीं होगा, पूरा जीवन दर्शन ऐसा होना होगा, तभी ये सारी जो समस्याएं आ रही है उससे हम मुक्त हो सकते हैं. और यही इस राष्ट्र का प्रयोजन रहा है. इसी के लिए ये राष्ट्र, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इतने आक्रमण हुए, इतने अत्याचार हुए. 60 करोड़ हम थे मुसलमान आक्रमणों के कारण, हम 20 करोड़ हो गए, लेकिन आज भी हम जीवंत है. स्वामी जी कहते हैं इसका कारण यही है कि यह एकात्म जीवन दर्शन, ये एकात्मता पर आधारित जीवन पद्धति कैसी होती है, ये सिर्फ हम सिखा सकते हैं विश्व को. और ये कोई जानकारी की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है. ये बच्चा बचपन से खुद में कैसे इंकल्केट करेगा, इसकी बात है. और इसीलिए ये संस्कृति की बात है, ये धर्म की बात है, ये जीवन पद्धति की बात है. ये सिर्फ कोई जानकारी है तो आज तो सारा डिजिटलाइज्ड है. ऑल वेदास उपनिषदास आर डिजिटलाइज्ड. सो हिंदू धर्म और इंडिया इज नो मोर रिक्वायर्ड. लेकिन ऐसा नहीं है. यदि हम देखते हैं तो यह एकात्म जीवन दर्शन, ये हम सब के परंपराओं का मूल है. यदि हम देश बाह्य धर्म शब्द कहना में मैं थोड़ी झिझक रही हूं, इसलिए हम आस्था बोलेंगे, उपासना पंथ बोलेंगे. यदि उनके बारे में देखते हैं, मेनली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जुडाइज्म, तो उसमें जो जीवन दर्शन है वह जीवन दर्शन विभाजन का जीवन दर्शन है. ईश्वर सृष्टि, ईश्वर कहीं और कोने में है, यहां सृष्टि है. फेथफुल अनफेथफुल, काफिर यानी बिलीवर्स काफिर. सो चोजन नॉन चोजन. और ये विभाजन का है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वहां से शुरू है. तो जो दुर्बल है उसको दूर करना है, नकारना है. और इस जीवन दर्शन के कारण हम देखते हैं कि जहां जहां ये दो आस्थाएं गई, उन्होंने वहां के लोगों को समाप्त करने का प्रयास किया, उनको नीचा दिखाया, ये काफिर है, ये हीदन है, ये पैगन है. क्योंकि विभाजन, तो वहां का जीवन दर्शन जो है वो एकात्म नहीं है, वो विभाजन का है. और इसीलिए उससे जो जीवन तत्व आते हैं, तो जैसे जीवन तत्व हम देखेंगे, कुछ ही देखेंगे, तो उसमें एक है कि दूसरों के जो ईश्वर के नाम और रूप है उसके तरफ अपनी दृष्टि कैसी है. तो जहां एकात्म भाव है वहां दृष्टि कैसी होगी. हाँ ठीक है, आप ईश्वर का इस नाम से पूजा करते हैं, इस नाम से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए वहां स्वीकार की बात है, वहां नकार की बात नहीं है. और जहां विभाजन है वहां ये क्या भगवान है, आप तो शैतान है, आप शैतान की पूजा करते हैं.
और कल्पना कीजिए ये एक्सक्लूसिविज्म फिर सिर्फ भगवान के नाम और रूप तक सीमित नहीं रहता है, ये मैं जो भगवान के बारे में बता रहा हूं वो सही है। एक बार मैं रांची गई थी, वहां सोसाइटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक प्रोफेसर इंद्रजीत डे करके थे और उनके साथ बात कर रही थी, उसी समय वहां एक फादर आए जिन्होंने, वो थे तो बाहर के लेकिन 20 बरस के थे तब भारत में आए और कन्वर्शन का काम कर रहे थे, तब 70 बरस के थे यानी 50 बरस उन्होंने भारत में काम किया है। मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया, बहुत सीधी सीधी बात थी, मैंने उनको पूछा कि आप कन्वर्शन क्यों करते हैं। उन्होंने मुझे बोला देखो बेटी, क्योंकि वो 70 बरस के थे मैं छोटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटी जीसस की प्रार्थना करने के बाद मुझे बड़ा आनंद मिलता है, तो उस आनंद को जाके मैंने लोगों को बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। मैं नहीं बांटूंगा तो मैं तो बड़ा स्वार्थी कहलाऊंगा, तो मैंने ये आनंद बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। मैंने कहा आपने जरूर बांटना चाहिए, लेकिन फिर आप प्रलोभन क्यों देते हैं, आप आपका भगवान झूठा है ऐसा क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मैं नहीं करता, बाकी कोई करता होगा तो मालूम नहीं, ये मैं नहीं करता। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी ये बात मान लेती हूं कि आप ये नहीं करते हैं, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न यह है, जीसस की प्रार्थना करने से आपको बड़ा आनंद मिलता है इसीलिए जाके आप दूसरों को ये आनंद बांटना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। वो कैथोलिक थे, मैंने उनको प्रश्न पूछा मुझे ये बताइए फिर आप जाके प्रोटेस्टेंट को कन्वर्ट क्यों करते हैं, आप प्रोटेस्टेंट को आपका ये गलत है क्यों बोलते हैं। तो बोले ये तो बोलना ही पड़ेगा, उनको मालूम नहीं जीसस की प्रार्थना कैसी करनी है, यानी सिर्फ भगवान का नाम रूप नहीं। वंस यू बिकम एक्सक्लूसिव इन योर अप्रोच यू आर एक्सक्लूसिव इन एवरीथिंग, व्हाट एवर आई से इज ओनली करेक्ट, माय वे इज करेक्ट, तो फिर भगवान का नाम रूप भी दूर रह जाता है। इसलिए जीसस को तो हम समझ सकते हैं, वो नहीं समझ सकते। जब तक आप भगवान को सीमित करते हैं आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो यह जो ईश्वर के तरफ का जो दृष्टिकोण है, देखिए पूरे भारत में, पूरे भारत में इतनी कम्युनिटीज है, कभी कोई कम्युनिटी किसी के यहां गई है दूसरे कम्युनिटी के यहां, कभी उनके मुंह से नहीं आएगा आपका भगवान झूठा है। ये क्या सिंह बोंगा, ये बताओ क्या है, ये शिव क्या है, ये दुर्गा क्या है, कोई नहीं कहेगा। हो सके तो पूजा चल रही हम भी वहां नमस्कार करेंगे, हम भी नमस्कार करके वापस आएंगे, हमें ज्यादा मालूम नहीं होगा, हम नमस्कार करके वापस आएंगे। ये जो है वो सारे पूरे भारत में एक जीवन तत्व है, ये एक जीवन मूल्य है। ईश्वर अनेक नाम और अनेक रूपों में है, आपको और कहीं नहीं दिखेगा। मैं एक बार जा रही थी नॉर्थ ईस्ट, ट्रेन में बैठी थी, साथ में कोई बैठा था, बोलना शुरू हो गया, उन्होंने पूछा, मैंने बताया, और फिर बोलते बोलते उन्होंने कहा अच्छा तो आप लोग क्या नॉर्थ ईस्ट में वहां लोगों को हिंदू बनाने जा रहे हैं। फिर मैंने उनका नाम पूछा, ऐसे ही मैथ्यू भी तो कुछ था। फिर मैंने पूछा कि देखिए यदि किसी कम्युनिटी को दुर्गा पूजा हम भी मनाएंगे ऐसा लगता है, और यदि वो दुर्गा पूजा मनाने लगते हैं, उदाहरणार्थ समझिए, और समझिए वहां कोई दो तीन असामीज घर है जो भी बंगाली मना या बंगाली घर है और जो दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो वो जाके इस कम्युनिटी को ऐसा बोलेंगे कि आप दुर्गा पूजा मना रहे हैं ना, सिर्फ दुर्गा ही सही देव है, देवी है, आप अभी ये बाकी सारा छोड़ दीजिए, ये क्या कीने नाने है, ये क्या दुल्हिया है, ये क्या नानी इंताया है, छोड़ दीजिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अभी कल्पना कीजिए यदि कोई जनजाति का व्यक्ति चर्च में आने लगता है, आप उनको क्या बताते हैं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, चांगलांग जिले में कामलाव करके गांव में दो स्त्रियों को जिंदा जलाया गया, और ये कोई दो स्त्रियां नहीं है, ये जिंदा जलाने की परंपरा है कि पहले के फेथ का या आस्था का कुछ ना कुछ उन्होंने यदि अपने जीवन में रखा है तो उनको शैतान बोल के उनको जिंदा जलाया जाता है, विच हंट। ऐसे ये वो देश बाह्य आस्थाओं की परिभाषा है, मनुष्य की हमारी परिभाषा है वह आत्म तत्व है, वह प्रकटित होने वाली आत्म चेतना है, वह ईश्वर स्वरूप है, आत्मा अनंत है, अविनाशी है,
शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, जैसे शरीर विनाशशील है, शरीर को बदलते हैं, आत्मा हमारी अमर है, अविनाशी है। और इसलिए आत्मा के आगे के प्रवास के लिए हम श्राद्ध करेंगे। और जब तक मुझे यह अनुभूति नहीं होती, पुनर्जन्म होता रहेगा। और ये यदि अच्छा से अच्छा जन्म मिलना है तो कर्म योग्य करने हैं। मैं शिव जी के ऊपर बड़ा विश्वास रखती हूँ, लेकिन मेरा व्यवहार चाहे जैसा है तो लोग कहेंगे कि इसके जैसी सबसे बड़ी पापी कोई नहीं। हमारे यहाँ कर्म पे जोर दिया जाता है, ये फर्क है। स्वामी विवेकानंद बहुत एक छोटे इसमें बता देते हैं, द रिलीजन इन इंडिया इज नॉट इन बिलीविंग, इट इज इन बीइंग एंड बिकमिंग। हम ईश्वर स्वरूप है, हमने वो ईश्वर स्वरूप प्राप्त करना है। रिलीजन इज इन बीइंग एंड बिकमिंग, इसलिए अपनी एक्शन वैसी होनी है, सिर्फ विश्वास से नहीं होगा। फिर यदि जीवन तत्वों में देखते हैं कि स्त्री की तरफ हम कैसे देखते हैं, और अपने सारे सारे जनजातियों में बहुत सारी तो क्रिएशन की कथाओं में भी आज भी आया था कि क्रिएशन की कथाएं जो है वो सारे ऐसी है कि जिसमें हम देवी से आए हुए हैं, चाहे वो आनेदोनी हो, चाहे वो जगदीश्वरी हो, चाहे वो शिव शक्ति हो, हमारे आद्य माता पिता जो है, चाहे वो दो पंची हो जो फिर से ईश्वर से आए हुए हैं। हम कोई पाप में जन्मे हुए नहीं है, ये अपनी संकल्पना ही नहीं है। और उसमें भी बहुत ज्यादातर से जो भी संवर्धन करने वाला होता है वो हमारे लिए जगत जननी का स्वरूप है। इसलिए गोमाता संवर्धन, गाय संवर्धन करती है वो गोमाता है, नदी संवर्धन करती है वो हमारी माँ है। और ये सच में ये अनुभूति होनी है। आज वो अनुभूति हमारे कितने लोगों के जीवन में है, यही प्रश्न है। जिस दिन ये अनुभूति आने लगेंगी हमारे बहुत सारे समस्याएं समाप्त होंगी। और अपने जो ये जनजातियों के लोग हैं, ऐसे बहुत लोग आज भी वो अनुभूति करते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगी। मैं आसाम गई थी और वहां नदी के किनारे अपने एक कार्यकर्ती का घर था, वो पानी में बह गया था, इसीलिए उनके माता पिता को मिलने गई थी। घर तो बह गया था, अभी फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही लगा के, ज्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं थे, वृद्ध पिता थे। मैंने जाके उनको बोला कि ओ आपको बहुत तकलीफ हुई ना, नदी को बाढ़ आई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा कि बेटी वो माँ है, वो जैसे प्रेम करती है कभी कभी गुस्सा भी करती है। बस कितने सहजता से स्वीकार है, नहीं तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, बाढ़ आ गई, हम बारिश आए तो हम गालियां देते हैं, क्या सीजन है। तो ये जो अनुभूति है, इस जो भी संवर्धन करता है वो माँ है। और इसीलिए स्त्री ये हमारे लिए कोई पाप की मूर्त स्वरूप नहीं है, ऐसा हमने स्त्री की तरफ देखा ही नहीं है। तो वो तो जगत जननी है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वह जगत जननी स्वरूप है, और जिसने ईश्वर को समझा है वही समझ सकता है स्त्री क्या है। कल्पना कीजिए कितना बड़ा विधान है। और ये श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति बोल रहे, इस पूरे अपने देश में जिसने ईश्वर को ही सर्वत्र देखा और जो क्रिएटिंग प्रिंसिपल है वह ईश्वर की शक्ति के स्वरूप में देखा, और इसीलिए हमारे लिए स्त्री भी यह शक्ति स्वरूपा है, यह संवर्धिनी है। देखिए अभी देश बाह्य आस्थाओं में स्त्री के बारे में क्या है। ईव का निर्माण कैसे हुआ, तो आदम के एक हड्डी से निर्माण हुआ, जो भी एक्स्ट्रा थी, यानी इसलिए आदम का कुछ कमी नहीं हुआ, वो हड्डी से उसको निर्माण किया गया। और हड्डी से निर्माण किया गया, दैट्स व्हाई शी इज इनफेरियर टू मैन, ये बाइबल में लिखा है, ये सेंट पॉल ने लिखा है, ये आज तक यही बात चलती है। शी इज एन अपेंडेज टू मैन, सिर्फ पुरुष को आनंद देना, उसकी सेवा करना, यही स्त्री का सिर्फ कार्य है और कुछ नहीं। और वो पापी है, वो पाप का द्वार है, ऐसा सारा स्त्री के बारे में दिया है। और जैसे जीवन दर्शन कैसे व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है, इवन आजकल की आधुनिक
व्यवस्थाओं को भी उसका यदि उदाहरण देना है, तो जब भारत स्वतंत्र हो गया अपने देश में ये कभी चर्चा का विषय नहीं था कि स्त्री को मतदान का अधिकार देना है या नहीं देना है, स्त्री मतदान के लिए सोच सकती है या नहीं सोच सकती है, ये कभी अपने देश में चर्चा का विषय था ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमने अभी कभी से सोचा ही नहीं है। और बहुत सहजता से मतदान का अधिकार मिला। आपको मालूम होगा अमेरिका स्वतंत्र हो गया 100 वर्षों के बाद, यानी 1920 में वहां स्त्री को मतदान का अधिकार मिला। इंग्लैंड में 1928 में मतदान का अधिकार मिला। स्विट्जरलैंड में 1981 में मतदान का अधिकार मिला स्त्री को। और वेटिकन जो और एक स्टेट है, और यदि कहा जाए तो वो किंगडम ऑफ हेवन का मूर्त स्वरूप है समझा जाता है, वहां आज भी स्त्री को मतदान का अधिकार नहीं है। मुस्लिम देशों में एक पुरुष की साक्ष्य के लिए किसी भी कोर्ट में 2 स्त्रियों की साक्ष्य होनी पड़ती है आज भी। यह स्थिति है, यानी जीवन दर्शन ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर आक्रमण आए तो हम स्व संरक्षण में गए, उसमें हमारे इसमें भी कुछ अवनतियां आई, वो तो हमें जरूर दूर करनी है, लेकिन वो दूर करने के लिए हमें तात्विक भूमिका में कोई समस्या नहीं है। अमेरिका में जो विमेन्स लिबरेशन स्त्री मुक्ति आंदोलन जो खड़ा हुआ, उसमें जो बेटी फ्रेडा थी उसका जो पुस्तक था फेमिनाइन मिस्टिक, वो कहती है स्त्री को कि ये 3 बंधन है उसको तोड़कर बाहर आओ। कौन से 3 बंधन? फैमिली, रिलीजन, कल्चर। ब्रेक ऑल दिस 3 बॉन्डेजेस एंड कम आउट। और वो आई, उसका परिणाम ऐसा हो गया कि परिवार टूट गए, बच्चे अनाथ हो गए, स्त्री अकेली हो गई, असुरक्षित हो गई। फिर उन्होंने फिर से दूसरा पुस्तक लिखा 20 वर्षों के बाद, द सेकंड स्टेज। और उस पुस्तक में वो लिखती है कि सिर्फ स्त्री की मुक्ति का हमने विचार किया, वो गलत था, क्योंकि स्त्री आखिर इस समाज से जुड़ी हुई है, अभी रियलाइजेशन है। लेकिन वो जो एक क्या कहते हैं भोग का, एक व्यक्तिवादिता का राक्षस जो अभी उस बोतल से बाहर आ गया, उसको अभी अंदर डालना उनके लिए कठिन। अभी वो सोच रहे कि क्या करना है, ये समस्या खड़ी हुई है और स्त्री तो और असुरक्षित हुई है। इसीलिए हमारे लिए तात्विक समस्याएं नहीं है। यदि हम और तीसरा ये देखते हैं तो जो है यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विविधता को कायम रखते हुए भारत देश जैसा दूसरा कोई कारण इस पूरे विश्व में नहीं। सैमुअल हंटिंगटन एक आर्टिकल लिखता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में 1994 में, वो पढ़ने के बाद उसको पूरे दुनिया भर बुलाया गया सारी यूनिवर्सिटीज में, और सारे वहां उसके भाषण हुए। भाषण होने के बाद उसने एक बहुत बड़ा किताब लिखा, सबसे इंटरेक्शन हुई तो एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसने कहा आने वाले दिनों में संस्कृतियों में संघर्ष होने वाला है, आपकी भाषा अलग है, भगवान का नाम अलग है और ऐसा ऐसा अलग है, तो आप में संघर्ष होगा। और उसने उस पुस्तक के इंट्रोडक्शन में लिखा मुझे सारे संस्कृतियों ने बुलाया, सिर्फ एक संस्कृति ने नहीं बुलाया, हिंदू संस्कृति ने नहीं बुलाया, क्योंकि उसने भारतीय संस्कृति का नाम हिंदू संस्कृति लिखा था, तो अभी उसको कौन यूनिवर्सिटी बुलाएगी, किसी ने नहीं बुलाया। तो उसने वो पुस्तक में लिखा था, इसीलिए बाद में फिर उसको दिल्ली में बुलाया गया, फिर वो आया, फिर और कुछ जगह गया, और जब उसने भारत की विविधता देखी तो वो कहने लगे कि माय होल थियरी इज गोइंग रॉन्ग, मेरे थियरी के अनुसार तो भारत के कब के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि आत्मानुभूति में हम एक है, हम सत्य पर आधारित है, और इसीलिए हम विविधता को सहजता से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। ये टॉलरेशन नहीं है, ये अनुभूति से आया हुआ एक्सेप्टेंस है। जैसे उदाहरण ही देना है तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये स्वामी विवेकानंद ने दिया हुआ उदाहरण, क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यूटन के बाद काम करने लग गया? वो पहले भी था और वो बाद में भी रहेगा। हम न्यूटन का नाम ध्यान में रखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ये ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो फिर भी रहेगा, क्योंकि वो तो सत्य था,
ऐसे सत्य पर आधारित हम सब एक है, एक से ही अनेक रूप में प्रकटित हुए हैं। ये अनुभूति की हुई हर एक कम्युनिटी में ऐसे लोग थे, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद उनके एक भाषण में बड़ा सुंदर ये देते हैं कि बाकी देशों में जैसे अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे के संपर्क में आई, तो तब तक वो सोचते थे कि मेरा भगवान ही सबसे बड़ा है, और ये कहता है उसका भगवान भी बड़ा है, तो अभी कौन सा भगवान बड़ा है? चलो तय करेंगे। कैसा तय करेंगे? युद्ध करके तय करेंगे। जो जीतेगा उसका भगवान बड़ा है, और ऐसा करके भगवान कौन सा बड़ा है ये तय हो गया। तो मोलोक जिहोवा इसके, ये जिस कम्युनिटी का था वो जीत गई, और इसलिए जिहोवा सबसे बड़ा है ऐसा तय हो गया। स्वामी जी कहते हैं कि शायद भारत में भी ऐसा हुआ होगा। आज बहुत सुंदर आया था कि हम सारे ही अल्टीमेटली ट्राइब्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम मन में ही पले हुए हैं, और वहां हमने भी कुछ अनुभूति की, भगवान को कुछ नाम दिया, सुप्रीम बीइंग, उस पावर जो भी है उसको नाम दिया, और जब हम भी एक दूसरों के संपर्क में आए तो फिर अब कौन किसका भगवान सच में? क्योंकि दो पावरफुल अखंड अनंत नहीं हो सकते, दो अखंड नहीं हो सकते, दो अनंत नहीं हो सकते, अनंत एक ही हो सकता है। तो अभी किसका भगवान अनंत है? कैसे तय किया? फॉर्चुनेटली स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसी कोई महान आत्मा आई और उन्होंने बताया, श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वही वो ईश्वर है और उसी को हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं। ये सत्य आप जब तक नहीं जानते हैं आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा, और वो आप ही है। कितना बड़ा सत्य! और ऐसे अनुभूति किए हुए हर कम्युनिटी में लोग थे, इसलिए हमने संघर्ष करते हुए तय नहीं किया किसका भगवान बड़ा है। ये तो ज्ञान की बात थी, सत्य पर आधारित अपनी परंपराएं हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना सत्य में एक है, और इसीलिए ये जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। यानी ठीक है, आज अपना नंबर कम है तो सबके साथ थोड़ा प्रेम से रहो, नंबर बढ़ जाएगा तो दिखा देंगे। मुसलमानों ने यही किया है, जहां भी गए क्रिश्चियनों ने यही किया है, जहां भी गए किसी का भगवान अलग है उनको समाप्त करने का प्रयास किया है। 12 करोड़ लोगों को अमेरिका में मार दिया। तो इसीलिए ये जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है ये सिर्फ मानवों का ही नहीं, हम कहते हैं ना आज सारे इसमें आया, इसलिए मैंने उदाहरण में समय में गवाऊंगी नहीं, कि हमारे लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें पशु है, पक्षी है, नदी है, पहाड़ है, सारे शांत हो, सारे ठीक रहे, व्यवस्थित रहे। यंतु नदयो वर्षंतु पर्जन्या सुपिपला औषधयो भवन्तु, सब ठीक हो, आनंद से भरा पूरा रहे, क्योंकि आखिर तो एक है, एक से ही अनेक रूप में प्रकटित हुए हैं। तो यह और बाकी अनेक है, मैंने सोचा था लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं आगे के इसमें जाऊंगी, सिर्फ एक बात बताऊंगी जो आज आई थी घोटुल के इसमें, कि इसका नाम हमने दे दिया यूथ डॉर्मिटरी। हमने यानी वो जो आए जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी करते हुए, एंथ्रोपोलॉजी यानी हम जीते हैं, ये जिनको हमने जीता है और इनके परंपराओं का हम अध्ययन करेंगे, और वो भाषा आज हमें हमारे इसमें भी दुर्दैव से आ गई है। वो कौन है हमारे इसमें अध्ययन करने वाले? हम स्वयं को जानेंगे, हम स्वयं का नूतनीकरण करेंगे, लेकिन दुर्दैव से उन्होंने हमारे व्यवस्था परंपराओं के लिए शब्द दिए, उन्हीं शब्दों का हम उपयोग करते हैं। कहते हैं कि केबांग, मुसुप, रासेंग, ये सारा क्या है? यूथ डॉर्मेटरीज, गो टू यूथ डॉर्मेटरी। वो यूथ डॉर्मेटरी नहीं है, दोज आर अवर इनफॉर्मल स्कूल्स। एक सेमिनार में अपने एक आदि भाई थे, उन्होंने कहा था कि मे बी वी आर इलिटरेट बट वी आर नॉट अनएजुकेटेड और अनकल्चर्ड। हम एजुकेटेड है, हमें मालूम है जीवन कैसे जीना है, और ये जीवन कैसे जीना है सबके साथ जीना है, यानी इसका ही वेदों में जो हम शब्द देखते हैं वो है सभा समिति, और सभा समिति के सारे मंत्र थे संगच्छध्वम संवदध्वम या धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी मति यानी मेरी बुद्धि का प्रचोदय हो, मेरी नहीं तो
हमारी, प्रार्थना हमेशा हमारे के लिए, हम सब सब के लिए, मैं नहीं हम। और ये मैं नहीं हम का जो प्रशिक्षण है वो इन अपने सभा समिति में दिया जाता था। एक वांचू कम्युनिटी का सेमिनार चल रहा था और वो ऐसे ही पो पे बोल रहे थे, पो यानी उनकी सभा समिति। तो जब बोल रहे थे, किसी ने उठकर खड़ा हुआ, आप पो पो क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए ना यूथ डॉर्मेटरी। ही सेड नो आई विल नॉट टेल यूथ डॉर्मेटरी, यूथ डॉर्मेटरी डज नॉट डिफाइन व्हाट इज पो, दैट इज व्हाट वी शुड। हमारे शब्दों को हम अंग्रेजी के उन शब्दों में डालेंगे नहीं जो अपर्याप्त है, उसकी पूरी संकल्पना को प्रकटित करने के लिए उनको सीखने दीजिए व्हाट इज पो, व्हाई शुड वी ट्रांसलेट। तो यह यानी जीवन दर्शन जो होता है वो शब्दों से प्रकटित होता है। हम किसी दूसरी भाषा के शब्द, वो भी दूसरों ने और कोई अंतस्थ हेतु रखते हुए हमें दिए हैं, और उन शब्दों को लेकर आज हम अपने जनजातियों के बारे में अपने प्रसार माध्यमों में एक प्रतिमा धीरे धीरे खड़ी हो गई है, उसकी चर्चा हो रही थी, उसके कुछ बिंदु मैं लूंगी। तो एक जो है वो है कि ये सारे कौन है, एनिमिस्ट है, आया था 2-3 बार पेपर में भी आया था कि जनजाति का रिलीजन कौन सा है, एनिमिज्म है। ये तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है ये एनिमिज्म शब्द के, यदि लेकिन मूल में जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें जो उसका अर्थ लगता है वो क्या कहेंगे, षड्यंत्र के तहत हमें दिया हुआ है। उसका जो अर्थ है जो डिक्शनरी में दिया हुआ है वो अणिमा शब्द से आया है, अणिमा यानी सोल, आत्मा। और हर एक चीज का अपना आत्मा है ऐसे मानकर जीने वाले जो लोग हैं वो एनिमिस्ट है, यदि उस अर्थ में हम सब एनिमिस्ट है, हर एक की आत्मा है और वो सबके आत्मा एक है। लेकिन वो जो दिया जाता है एनिमिस्ट, पशु पौधे पहाड़ी नदी की पूजा करने वाले, इनका तो कोई रिलीजन नहीं, तो एकदम सही नहीं है। और आपको मालूम होगा 1872 में पहली बार ब्रिटिशों ने अपने देश में जनगणना ली, हम सबका नाम हिंदू करके लिखा गया था। फिर जब उन्होंने देखा कि कन्वर्शन में वो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो 1901 अराउंड दैट there were lot of discussions and what to say, planning is that how to divide India. तो उस समय बहुत सारी theories आई, एक theory आई आर्यन द्रविडियन, बिशप कालवेल ने शुरू किया 1901 के उसी काल में वो आई। दूसरी theory आई कि tribal non tribal, तो एक tribal non tribal में 1901 से जनगणना में उनको अभी animist करके note करना है, ऐसे बताया गया। 1911 में जो जनगणना के अधिकारी थे वो बोले ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन एनिमिस्ट कौन नहीं, गोमाता की पूजा सब करते हैं, नदी की पूजा सब करते हैं, तो कभी कोई कम्युनिटी पहले हिंदू रही बाद में एनिमिस्ट हुई, पहले बाद में एनिमिस्ट थी फिर हिंदू हुई, तो बहुत बड़ा सब जनगणना के अधिकारी बोल रहे थे ये हो नहीं रहा है हो नहीं रहा है, लेकिन सरकार ने बोला आपको करना है, और आखिर 1931 में उन्होंने फाइनली दे दिया, अच्छा ठीक है आपको समस्या है तो आप ऐसा कीजिए जो भी कम्युनिटी पहाड़ और जंगलों में रहती है उनका रिलीजन अलग है, उसका नाम एनिमिज्म मत दीजिए, आपको उसमें समस्या आती है तो आप उनका नाम उनके भगवान का नाम लेते हुए दे दीजिए। इसलिए सिंह बोंगाइज्म, दोन्नी पोलोइज्म, यानी हम वनवासी भी एक साथ ना रहे, ये भी षड्यंत्र, समाज को तो तोड़ा ही। और उन षड्यंत्र, यही षड्यंत्र आगे 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 जा रहे हैं, हमारी भाषा भी वही वो एकात्मता को प्रकटित नहीं करती है क्योंकि वो अनुभूति नहीं होती है जैसे। और मैंने एक दो सिर्फ बिंदु लूंगी मैं, दूसरा जो है कि जो बताया जाता है कि फेथ अलग है एंड कल्चर अलग है, ये और एक है, फेथ इज पर्सनल कल्चर कलेक्टिव। और फिर चर्च के फादर्स कहते हैं कि देखिए हम तो कल्चर का कितना सा
हम संरक्षण करते हैं, हमने ही सारी डिक्शनरीज लिखी है इंग्लिश और वो भाषा की, फिर हम ही लोगों को बोलते हैं कि आपके पारंपरिक कपड़े पहन कर ही आपने कहा चर्च में आना है, तो इसलिए कल्चर का संरक्षण तो चर्च कर रही है। लेकिन यदि दो ही उदाहरण दूंगी मैं, उसमें एक है कि टीएस इलियट जो है वो कहते हैं कि कल्चर इज द इनकार्नेशन ऑफ रिलीजन, यानी उसका ही जो प्रकटित स्वरूप है वह कल्चर है, रिलीजन का ही। फिर सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि द रूट ऑफ ए कल्चर और सिविलाइजेशन इज रिलीजन, यानी उनको वो एकदम स्पष्ट रूप से पता है, लेकिन हमारे देश में जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। कल्चर ये अपने सिर्फ कपड़ों में, सिर्फ भाषा में नहीं है, वह अपने देवी देवताओं में है, क्योंकि हमारे देवी देवता इस जीवन के तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण है, और वो एक बार हम खो गए तो हम नहीं रहेंगे। और इसीलिए संस्कृति की रक्षा यानी अपने धर्म की रक्षा यानी अपने देवी देवताओं की रक्षा, और हमारे देवी देवता ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। तो आज मैं मेरे घर में जैसे जोगेश्वरी की प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब मैं कन्याकुमारी में ईसा की अम्मन के मंदिर में नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं जरूर जाऊंगी। मैं किने नानी की पूजा हो रही है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं जरूर जाऊंगी। और मैंने तो उसमें एक बहुत बड़ा पाठ सीखा, जब मैं गई थी और मैंने उधर पूछा कि ये कौन से देवी की पूजा हो रही है, मुझे वहां के अपने जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया किने नाने की। फिर मैंने कहा किने नाने कौन सी देवी है, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, ये अनुभूति है, उन्होंने जवाब दिया जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं उनकी हम किने नाने करके पूजा करते हैं। देखिए जवाब, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपके लक्ष्मी जैसी हमारी किने नाने हैं, यानी क्या हो गया, लक्ष्मी अलग है किने नाने अलग है, उन्होंने ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बताया जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं हम किने नाने करते हैं, मां तो हम सबकी एक। यह जो यानी और एक जो मिसकंसेप्शन हो रहा है, तीसरा जो एक डिलेमा है और जो अपने संचार माध्यमों को सबसे ज्यादा आता है कि हम जो है हम सर्वसमावेशक लोग हैं। हिंदू यानी किसी को गाली नहीं देना है। अभी 3 दिन पहले कन्याकुमारी में एक स्वामी आए थे, मैं बताऊंगी नहीं कौन से आश्रम के, और उनके साथ मेरी बात चल रही थी। जब बात चल रही थी तो बात करते करते मैंने उनको बोला कि आप जो मंदिर में जीसस का भी फोटो रखते हैं ना, उससे कुछ गड़बड़ी आती है। फिर मैंने उनको एक उदाहरण बताया, मैं अभी बताऊंगी नहीं। और जब मैंने उनको वो उदाहरण बताया, वो बोले कि नहीं नहीं लेकिन सन्यासी ये वैश्विक ही होना चाहिए, उसने कभी किसी भगवान को नकारना नहीं चाहिए। मैंने कहा आप मत नकारिए, ये मैं भी नहीं बोलती। यदि मैं मेरे क्रिश्चियन स्टूडेंट के विवाह में जाती हूँ, मैं भी चर्च में जाती हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और जीसस का फोटो रखते हैं, तो उन बच्चों ने घर जाके बताया कि क्रिश्चियन भी हुआ तो क्या हुआ, आखिर सारे भगवान एक है। क्या हम अपने बच्चों को यह बता रहे हैं कि उनकी भगवान की संकल्पना ये एक्सक्लूसिव है, हम ये बता नहीं रहे? तो ये हमारी समस्या है, हम इंक्लूसिव है, हम किसी को नकारे कैसे, हम नकारते हैं तो हम इंक्लूसिव नहीं, और हम स्वीकारते हैं तो हम ही रहेंगे नहीं। ये समस्या है, द डिलेमा ऑफ बीइंग इंक्लूसिव। तो आज के दिनों में इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे डायबिटीज का उदाहरण लेते हैं ना, जिनको डायबिटीज होता है तो एकात्मता तो है, पूरे शरीर के साथ एकात्मता है, लेकिन जैसे उसमें समझिए कि पांव में गैंग्रीन हो गया, तो अभी पांव तो मेरा ही है, लेकिन यदि मैं वो पांव रखूंगी तो पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इस एकात्मता की रक्षा के लिए मेरे पांव को काटना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर, ये जो मेरा पांव है वो शरीर को नकार रहा है, वो शरीर को नष्ट कर रहा है। तो जो भाग अस्तित्व का अस्तित्व को ही नकारता है, एकात्मता को नकारता है, उसको नकारना ये एकात्मता का पालन करना है। आज हमारे प्रसार माध्यम यदि ये स्पष्ट रूप से बोलने लगेंगे, हम कतरते हैं, हम कतरते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। फिर और एक जो बात आई थी तो उसमें ऐसा था कि प्रसार माध्यमों में अपने
सारे जनजातियों के भी युवा आने चाहिए, और जिसके लिए अपने कुलपति जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि अच्छा ठीक है वो आएंगे तो भी क्या होगा, वो फिर से इसी प्रकार का पालन करेंगे। इसलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो, ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे पांव में कांटा घुस गया तो मैं कहूंगी कि ये तो पांव का प्रश्न है। ये पांव सुलझाने के लिए पांव के जो सारे ये होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अंगूठे, उंगलियां, तो उसको प्रशिक्षण दीजिए कि वो पांव का कांटा कैसा निकालना है। अरे पांव की समस्या ये पूरे शरीर की समस्या है, ये मेरे आंख उधर जाने चाहिए, मेरा हाथ उधर जाना चाहिए, कांटे को निकालना चाहिए। यदि आज हम ऐसा कह रहे हैं कि जनजातियों की समस्या के लिए जनजातियों के ही पत्रकार होने चाहिए, तो इसका मतलब हमने अपने लोगों को अपना माना नहीं है। उनकी समस्या आज मेरी समस्या नहीं हो गई है, उनकी मैं उनके साथ एक रूप होते हुए वो समस्या मेरी समस्या है ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी आज अपनी समस्या ये है कि कितनी इस अनुभूति, एकात्मता की अनुभूति अपने जीवन का अंग होती है। जितना मुझे मेरा पूरा समाज एक लगेगा, मेरी भाषा बदलेगी। फिर मैं ये नहीं पूछूंगी अच्छा आपका भगवान कौन सा है, मैं पूछूंगी कि अच्छा अपने इस जगह में भगवान के कौन से नाम और रूप से हम पूजा करते हैं। भगवान तो हमारा एक है, शब्द बदलते हैं, अपना व्यवहार बदलता है, अपनी प्रायोरिटीज बदलती है, और वो जब तक नहीं बदलेगी, अध्यात्म जो है ना, यह राष्ट्र आध्यात्मिक रूप से तभी ऊपर आ सकता है जब हम उस आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। और इसीलिए ये भी एक है। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार अपने मीडिया में उस प्रकार से बताया भी जाता है, यहां भी कुछ जब बताया गया तब कुछ हंसी भी आई थी कि जैसे सारे अपने जनजातियों में कुछ बियर पीते हैं, राइस बियर हो, महुआ बियर हो, यानी दारू शराब जो भी है, और वो लेते हुए पूजा होती है, तो ये सारा सारे इसमें होता है या बलि होता है। तो भगिनी निवेदिता का उदाहरण देते दूंगी। तो भगिनी निवेदिता जब यूरोप में प्रवास में गई थी तो उनको किसी ने कहा कि ओ वो भारतीय लोग वो तो बलि चढ़ाकर, वो तो बलि बलि चढ़ाते हैं ना, बलि पूजा करते हैं ना। तो भगिनी निवेदिता ने उनका बोला शट अप योर माउथ, यू हैव नो राइट टू टेल दिस। देखिए वो जो भी खाते हैं भगवान का नाम लेकर भगवान को समर्पण करते और आप सीधा खा रहे हैं, आपको बोलने का क्या अधिकार है। यानी पीछे का भाव ये हम नहीं समझेंगे, आज जो भी मेरा खाद्य है वो मैं समर्पित करूंगी, ये हम नहीं समझेंगे तो हम तो सारे मांसाहार करेंगे और हम इसमें बोलेंगे कि अरे अपने जनजाति में ना बलि बलि प्रथा है। फिर जैसे मुझे माफ कीजिए, अपने सारे जो प्रायोजक है इस इसके, तो उसमें अपना एक जो शब्द है आदिम जाति अनुसंधान, फिर से ये वेस्टर्न शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं, हम अनुसंधान नहीं करते हैं हम, यानी ये आदिम जाति है और इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सेल्फ रिन्यूअल है, ये विकास है, ये आज के काल में हम कैसे वी विल बिकम रेलेवेंट इन टाइम, और वही आता है रोल जीवन व्यवस्थाओं का। ये सबसे बड़ा एक महत्व की बात है जो सिर्फ इस देश में है। स्वामी विवेकानंद ने बार बार बड़े गर्व से बताया था कि बाकी सारे देशों में श्रुति और स्मृति ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, और इसीलिए उनको रिलीजन का पालन करना है। यानी जब वो काल बाह्य हो जाता है तब अब क्या करना है। बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी सपाट है, अभी क्या करेंगे, हमें तो मालूम है पृथ्वी सपाट नहीं है, तो क्या करेंगे, बाइबल ही फेंक दो, भगवान को भी फेंक दो, चर्च में जाना बंद कर दो, चर्च में जाना ही बंद हो गया लोगों का पश्चिम देशों में। या फिर फैनेटिक्स आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम प्योर इस्लाम को लाएंगे, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में लाया। यानी क्या किया, किसी घर में पिता नहीं है, मां ही नौकरी करती थी और उन्होंने बताया कि नहीं स्त्रियां नौकरी नहीं कर सकती,
जिसको घर में बिठाया वो भूखे मरने बचे। एक तो वो अत्यंत पंथांध हो जाते हैं या वो रिलीजन को ही छोड़ देते हैं और जीवन में स्वैराचार करने लगते हैं, क्योंकि क्या रखना है क्या बदलना है ये श्रुति है, ये शाश्वत है, ये बदलेगा नहीं और ये जो है ये काल के अनुसार बदलेगा। ये विवेक सिर्फ इस राष्ट्र में है क्योंकि फिर से हम अनुभूति में सत्य में स्थित है। एक ही उदाहरण देते हुए मैं समाप्त करूंगी कि ऐसा बार बार अपने देशों में स्मृतियां लिखी गई, ऋषि मुनि आए, हमारी व्यवस्थाएं बदलती रही, परंपराएं काल के अनुसार योग्य होती रही, लेकिन हमारी जीवन दृष्टि बदली नहीं, हमारे जीवन तत्व बदले नहीं। अरुणाचल का उदाहरण है कि अरुणाचल में जैसे ही कम्युनिटी का डिस्पर्सल होने लगा पढ़ाई के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, नौकरी के कारण, तब जब वो दूर जाते हैं वहां पुजारी नहीं मिलता है, पूजा कैसे करेंगे। तब कोई फादर आके कहता था चर्च में आओ प्रार्थना करो बड़ा आसान है, वैसे भी आपकी पूजा महंगी है, जो सच नहीं है। चर्च में हर रविवार जो देना है वो यदि एक साथ करते हैं तो उसमें 10 पूजा हो सकती है, लेकिन वो ऐसे बताने लगे अरे हाँ पुजारी नहीं है तो चर्च में जाने लगे। उस समय तालोम तालोम रुग्बो करके एक ऋषि खड़े हुए, स्वामी जी यही कहते हैं कि हर समय हमें ऐसे ऋषि चाहिए जो सत्य को समझेंगे, सत्य में प्रतिष्ठित होंगे और काल को सुसंगत अपने धर्म को बनाते हुए उसको आगे ले जाएंगे। ऐसे ये ऋषि, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने देवी देवताओं को नहीं बदलेंगे, देवी देवताओं का आवाहन करने का तरीका चाहिए तो हम बदलेंगे। और उन्होंने गांगिंग शुरू किए, यानी प्रार्थना घर शुरू किए, हफ्ते में एक बार सब लोग एक साथ आने लगे। उनका वो जो देखा तो वो मार्ग मिलते ही जैसे निशी कम्युनिटी में निधर नामलो शुरू हो गए, निधर नेलो शुरू हो गए, तांसा में रंथरा मूवमेंट शुरू हो गई। और उसका उदाहरण बताऊंगी कि जैसे पहले दो रंथरा मंदिर खड़े हुए, क्योंकि यहाँ नक्सलिज्म की भी बात हुई थी, आतंकवादी आए हैं, अभी वहां भी नागालैंड से आतंकवादी आते हैं, एकदम बंदूक दिखाकर बताया जाता है इतने दिनों में आपको कन्वर्ट होना है, तिरप चांगलांग में ही शुरू हो गया। और ऐसे चांगलांग में जब दो रंगफ्रा के मंदिर खड़े हुए तो ये आतंकवादी आए चर्च से सपोर्टेड और उन्होंने इन दो मंदिरों को जला दिया और बताया कि जो भी इस मंदिर को बांधेगा उसको शूट कर दिया जाएगा। अभी गांव वालों ने विचार किया, देखिए क्योंकि वो नित्य रूप से एक साथ आ रहे रंगफ्रा मंदिर में प्रार्थना कर रहे, उससे जो एक मैं नहीं हम का भाव आया था, उससे जो एक कॉन्फिडेंस आया था, आत्मविश्वास आया था, उस आत्मविश्वास के कारण उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई कुछ लोग जाके मंदिर बनाएंगे तो ये लोग उनको शूट कर सकते हैं, पूरा गांव का गांव वहां खड़ा होगा तो ये क्या करेंगे। रातों रात सारा सामान तैयार करके रखा था, रातों रात चाहे वो 3 बरस की बच्ची हो या 70 बरस का बूढ़ा हो, सारे के सारे वहां खड़े रहे, रातों रात दो मंदिर खड़े हुए। अब इन आतंकवादियों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे गांव को तो नहीं मार सकते। फिर उन्होंने कहा कि आपको 2 लाख रुपए फाइन देना होगा, ये बोले हम नहीं दे सकते। अच्छा आपको 1.5 लाख देना होगा, 1 लाख देना होगा, 50,000 देना होगा, 20,000 देना होगा, आखिर बोले कम से कम एक खाना तो दीजिए हमें। गांव वाले बोले ठीक है, आखिर अपने ही बच्चे हैं, और उन्होंने उनको खाना दिया और आज चांगलांग जिले में 56 रंगफ्रा मंदिर खड़े हो गए। वहां के जो इलाइट्स है वो अभी बहुत कॉन्फिडेंस है इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो जो आतंकवाद तिरप से चांगलांग लोहित की तरफ बढ़ रहा था वो वही रुक है। तो ये शक्ति है। आज ऐसी बात हुई थी, किसी के मन में आया कि ये सारा सवेरे से चल रहा है और सही है, ये लग सकता है क्योंकि जब तक ये सारी बाकी बातें मालूम नहीं है कि ये सारा चल रहा है, ये तो सारा एंथ्रोपोलॉजिकल पुस्तकों में लिखा है, हम क्यों इसमें समय निकाल रहे हैं, आखिर समस्या क्या है उसका ये करेंगे। नहीं, मूलभूत समस्या तो ये है कि आज हम अपने आध्यात्मिक एकात्मता में एक अनुभूत नहीं करते हैं, अनुभूति नहीं करते है। और जब आज एक एक करके सब आ रहे बता रहे तो हर एक को लग रहा है ये तो हमें हम भी ऐसा ही करते हैं। भाषा बदलने लगी, अरे हाँ हम तो एक ही है।
और इस एकात्मता में अपनी शक्ति बढ़ेगी और फिर सारे समस्याओं का सामना करने की भी ताकत आएगी। आखिर सिर्फ नक्सलिज्म की चर्चा करते हुए ताकत नहीं बढ़ती है, समाज गोलियां भी चल रही है फिर भी एक क्यों होगा? अपने देवताओं की रक्षण करने के लिए एक होगा। उन देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा जितनी पक्की होगी उतना हम इनको रोक पाएंगे और हम विकास के भी मार्ग खोल पाएंगे। यानी जीवन व्यवस्थाओं में है, अपने सारे कम्युनिटीज में, कि कुछ आज कालबाह्य हो गया है तो उसमें शाश्वत क्या है और क्या हमें काल के अनुसार बदलना है, ये उस कम्युनिटी के अंदर से मंथन होते हुए ये बाहर आना है और उस प्रकार से आगे जाना है। तो इसलिए जीवन दर्शन, जीवन तत्व और जीवन व्यवस्था, इनके डायनामिक्स हमने समझने हैं। जैसे भाईचारा की बात आती है तो क्रिश्चियन के लिए भाईचारा जो है वो सिर्फ उसके डिनोमिनेशन के लिए है, ओनली दे विल गो टू हेवन नॉट अदर्स। मुस्लिमों के लिए भाईचारा, उनके भाईचारे की बहुत बात की जाती है, हाँ वो है, वो यदि नॉन मुस्लिम क्षेत्र में है तो सारे मुस्लिम एक है और सिर्फ वो मुसलमान ही देश है तो वहां बम फूट रहे हैं। आज ऐसा कोई मुस्लिम देश नहीं है जहां बम नहीं फूट रहे। इसीलिए भाईचारा भी सत्य पर आधारित होना है और ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। ये तब तक चल सकता है जब तक हम किसी नॉन मुस्लिम एरिया में है, सिर्फ हम ही रह गए तो हम एक दूसरे को मारने लगते हैं। और भाईचारा का अर्थ उस आध्यात्मिक परंपरा में जहां हम सबको एक मानते हैं वह भाईचारा का अर्थ यह है जो संत तुकाराम कहते हैं, वृक्ष वल्ली अम्मा सोयरे वनचरे, ये पेड़ पौधे ये सारे मेरे भाई है, ये नदी मेरी माँ है। और ऐसी एकात्मता की अनुभूति में हमें स्थित होना है और यही स्वामी विवेकानंद ने बताया कि द नेशनल यूनियन इन इंडिया इज गैदरिंग ऑफ ऑल इट्स स्कैटर्ड स्पिरिचुअल फोर्सेस हुज हार्ट्स बीट टू द सेम स्पिरिचुअल ट्यून। हम सब की स्पिरिचुअल ट्यून एक है, वो एकात्मता की है, वो ईश्वर को सर्वत्र देखने वाली है, वो अपने अंदर के ईश्वरत्व को देखने वाली है। और ऐसे सारे ये आध्यात्मिक शक्तियां, बिखरी हुई शक्तियां जब हम एक हो जाएंगे तो हम बाकी सारी समस्याओं का सामना कर पाएंगे। और ये हमें करना ही है क्योंकि ये सिर्फ हमारा प्रश्न नहीं है, ये पूरे विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत की तरफ उस आशा से देख रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो चर्च में जाने वाले हो ना हो, चाहे वो नेटिव अमेरिकन हो, चाहे वो ब्लैक अमेरिकन्स हो,